Dear students, in this lecture, we shall learn about the application of the matrix operation, that is multiplication, on the case of total cost. How we can calculate the total cost once if we use the matrix operation of multiplication. Let us see. Now here in this example, we are assuming that there are three coffee shops in a small college town, right? And once we have these coffee shops, definitely there are varieties of coffees. And they are four in number. One is espresso, other is cappuccino, and the third one is classic. The fourth one is French. So these are the four varieties that they have. Aur iski jo cost hai, wo bhi humare paas available hai. Cost, aapko pata hai, it is the expenditure done by the producer. Jo coffee seller hai, उनको ये कितने रुपए या डॉलर लगा कर बनानी पड़ रही है, ये वो कॉस्ट है. सो आप देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेसो है वो 1.5 है, कैपुचिनो जो है इट इज़ 0.75 डॉलर्स, और क्लासिक की कॉस्ट ये है और फ्रेंच की कॉस्ट ये है. सो दिस इज़ वन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट वी यूजुअली नो एंड यूज, विच इज़ नोन एज द कॉस्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स वी हैव इन द फॉर्म ऑफ डेटा. यहाँ पर जो प्रोडक्शन है कॉफ़ी की बाय ऑल ऑफ दीज शॉप्स ऑफ ऑल ऑफ दीज वेराइटीज़, वो यहाँ पर लिस्ट की गई है. आप देख सकते हैं कि जो पहली टाइप है, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो हमने कॉलम्स की फॉर्म में रखी है. आप देख रहे हैं कॉलम्स हैं, और जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, पहली शॉप, दूसरी शॉप, तीसरी शॉप, इसे हमने रोज़ की फॉर्म में रखा. एंड यू माइट हैव स्टार्टेड टू सेंस द राइज ऑफ अ मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं. सो ये देखें, ये हमारे पास पहली शॉप की एक्सप्रेसो की आउटपुट है, और दूसरी और उसी शॉप में कैपुचिनो इतनी बन रही है, और उसके बाद क्लासिक और फ्रेंच इतनी इतनी क्वांटिटीज़ में बनाई जा रही. एंड दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द सेकंड शॉप, और तीसरी शॉप के लिए ये आउटपुट्स हैं जो कि वो प्रोड्यूस करें. सो इस प्रोसेस के अंदर हमें बेसिकली आउटपुट के बारे में पता चला कि हर शॉप में तमाम वेराइटीज़ की कितनी कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस की जा रही हैं. अब ये हमारे पास दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिन्हें यूज़ करके हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो सम ऑफ कॉस्ट है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है उसको कंसिडर करें और उसको ज़रब कर दें और दी नंबर ऑफ टोटल आउटपुट के साथ. जितनी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे पर यूनिट कॉस्ट के साथ ज़रब देंगे, तो जाहिर बात हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी. वेरस यहाँ पर केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पर प्रोड्यूसर भी तीन हैं, एक नहीं है, और उसके साथ साथ वेराइटीज़ जो हैं वो चार हैं, एक नहीं है. इसलिए हमें एक मेट्रिक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर डिवेलप करना पड़ा है, और वो हमारे पास यहाँ पर विजिबल है. जैसे हमने अपने लिए स्टेज को सेट किया कि टोटल कॉस्ट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल आउटपुट एंड द कॉस्ट पर यूनिट. ये दोनों पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास पिछले टेबल्स में मौजूद हैं. नाउ दिस इज़ द यू नो द मैट्रिक्स ऑफ द टोटल आउटपुट जो हमने प्रीवियस टेबल से एक्सट्रैक्ट की है. हमने उस टेबल को चूंकि एक मकसद के तहत ऐसे अरेंज किया था जिसमें कॉलम्स में हमारे पास वेराइटीज़ थी और रोज़ में हमारे पास शॉप्स थी, हमने उसको वैसे ही बोरो कर लिया है और इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिख लिया. इसका जो ऑर्डर है हमने अपनी याद दहाने के लिए लिख लिया, बिकॉज आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर्स वेरी मच. उसके बाद जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी हमने पहले टेबल से एक्सट्रैक्ट कर ली, और जो हमारे पास कॉस्ट है इंडिविजुअल वेराइटीज़ की पर यूनिट की, उसे नोट कर लिया, बट इन द फैशन ऑफ अ मैट्रिक्स. और इसका जो ऑर्डर है वो है 4:1. और नाउ अगेन व्हेन एवर वी आर टू मल्टीप्लाई, हमने सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कन्फॉर्मिटी कंडीशन को देखना है, जो कि ये है, एक पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, पहले का ऑर्डर, दूसरे का ऑर्डर, जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं, जो कि कॉलम है पहले मैट्रिक्स का और तादाद है रोज़ की दूसरे मैट्रिक्स की, उनकी इक्वालिटी को चेक करेंगे, दे आर इक्वल, सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 3:1 होना चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू दैट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन.
Now, Q into C is what we are trying to do, or Q ki value likhenge, aur uske baad C ki value likhenge. Or now, what we are trying to do is to develop that structure. Wo structure kaise banega? Ye hai humare paas pehli row, aur ye hai humare paas column. To aapne dekha, pehli row ko hum use kar rahe hain. If I highlight this, 1, 1, 2. The second element is 100, or the third element is 80. The fourth element is 35. और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो कि एक रो जो कि कॉलम वेक्टर है 1.5 हमने पहले वैल्यू पुट की और फिर दूसरी 0.75 फिर तीसरी 0.5 और उसके बाद 1 इसके याद दहाने के लिए ये प्रोसेस आसान है कि ये मल्टीप्लाई का साइन और प्लस का साइन वैसे ही आएगा और पहला एलिमेंट उसके बाद दूसरा एलिमेंट आप देख रहे हैं वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद तीसरा एलिमेंट वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है विद प्लस साइन और आखिरी एलिमेंट वो भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है राइट जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पहले हमने फर्स्ट रो को ट्रीट किया फिर यहाँ पर सेकंड रो को ट्रीट कर रहे हैं 182 160 110 110 58 एंड 58 और इसके बाद थर्ड रो को हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं So, ये एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया लेकिन जिसके असूल हैं और याद दहानी के लिए भी मैंने आपको कुछ टिप्स बता दी आप वीडियो को पॉज करें और उसको रिहर्स करें बिकॉज ये सिर्फ सुनने से नहीं आएगा इसके लिए आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी अब आपको पता है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी ये भी सो जब हम इनके जवाबों को देख रहे हैं तो दे आर 318 506 एंड 594 ये रिस्पेक्टिवली शो कर रहे हैं हर शॉप की टोटल कॉस्ट को जो टोटल कॉस्ट फेस कर रही है शॉप वन वो ये है शॉप टू के लिए टोटल कॉस्ट की वैल्यू ये है और 594 है टोटल कॉस्ट जो कि फेस कर रही है शॉप नंबर थ्री सो इस तरीके से वी हैव यूज्ड मैट्रिसेस एंड वी हैव ट्राइड टू क्रिएट मैट्रिसेस फ्रॉम अ स्क्रैच हमें एक स्टेटमेंट दी थी हम दी हुई थी हमने उसके टेबल्स को यूज़ करके मैट्रिसेस को खुद डिवेलप किया और डेवलप करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करके एक इकोनॉमिकली मीनिंगफुल वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट किया जो कि है टोटल कॉस्ट